हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे, जो भी आपका जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है प्रेजेंट टाइम पर, जो जीएनएम के एग्जाम है। काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं हर रोज की सर एग्जाम कब तक होंगे, कब तक नहीं होंगे, तो उस बारे में यहाँ पर फुल डिटेल चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहां से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल-पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित होगा, अब आपका जो जीएनएम है बहुत ही ज़्यादा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपको है एक साल डेढ़ साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है और आपके एग्जाम कंडक्ट होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और इसके रिगार्डिंग हमने यथावत प्रयास करते आ रहे हैं, और कई आए दिन आपको देखा होगा कि वीडियो भी आपको अपलोड किए थे, दो तीन वीडियो अपलोड किए थे। तो उन वीडियो में पहले वीडियो अपलोड किया था तो उनमें आप हमने एक मुहिम चलाई थी, उस मुहिम के तहत जो थर्ड ईयर के एग्जाम है वो भी जल्दी कंडक्ट हो गए थे और सेकेंड ईयर के जो एग्जाम वो भी कंडक्ट हो गए थे। अब यहाँ पर बारी है कि थर्ड ईयर जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, आप तो परेशान हो रहे हो लेकिन आपसे ज़्यादा परेशान हम हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे जिनके हर रोज कमेंट्स आते हैं और कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमारी तो टीसी हमें वापस करवा दीजिए, हमें नहीं करना जीएनएम कोर्स, क्योंकि इसमें जो है कम से कम समझ सकते हो आप कि आपका जो 18 महीने के समथिंग 17 महीने तो मान के चलो 17 महीने आपको हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक आपको एक साल हो गई है, उसके बाद में 7 महीने इस उसमें हो गए माह में। तो कहने का मतलब यह कि 12 महीने वो 7 महीने ये तो समझ लो आप 17 महीने तो मान के चलो कम से कम 18-19 महीने होते हैं, लेकिन 17 महीने आप मान के चलो 17 महीने हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी काउंसलिंग लेट हुई थी तो एग्जाम भी लेट होंगे। अगर आप भी इस तरह इसको डिले करते जाओगे अपनी एग्जाम को, आप भी अगर इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाओगे, कोई मुहिम नहीं चलाओगे, तो आपके जो एग्जाम है वो तो लेट होंगे ही होंगे, लेकिन जो आपका 3 साल का जो कोर्स है वो 4 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये रियलिटी बात है, रियलिटी बात इसीलिए मान के चलो जुलाई का महीना आ गया, जुलाई के महीने में भी आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए, आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया, तो फिर आपको पता है कि जुलाई के महीने में आपके एग्जाम नहीं हुए तो अगस्त में एग्जाम होंगे, तो एग्जाम लेट होंगे। तो सीधी सी बात है, जो आपका प्रैक्टिकल होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, तो वो भी लेट होगा। प्रैक्टिकल लेट होगा तो आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट में भी देरी होगी, तो रिजल्ट भी आपका लेट आएगा। कहने का मतलब यह कि सितंबर अक्टूबर तक फिर आपका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम नहीं चाहते कि आपको भी इतना समय लगे, क्योंकि आपको सबसे पहले बता देते हैं हमने आरएनसी में भी इसके खिलाफ मतलब जो भी अगेंस्ट बात की थी, तो आरएनसी की एक बार आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उनका भी क्या कहना था, क्या बोला था उन्होंने, ठीक है ना। तो एक बार सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आरएनसी की तरफ से क्या यहाँ पर अपडेट आया, तो आरएनसी की एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आप देखिए। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, ये जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम कब तक कंडक्ट होंगे सर? आप ऑनलाइन चेक करते रहिए। तो सर ऑनलाइन तो ना उसमें वेबसाइट पे सुई नहीं हो रहा है सर, काफ़ी टाइम हो गया है सर वेट करते करते, 19 महीने हो गए हैं सर, आप भी जानते हो इस चीज़ को। आप मेल कर दो, मेल कर दो ना, रिप्लाई मिल जाएगा सर मेल से? हाँ मिल जाएगा, मेल कर दो, मेल करके पूछ लो आप। ठीक सर, ठीक सर, आप जो भी है वहाँ पर ईमेल कीजिए और ईमेल के माध्यम से आपको वहाँ पर रेस्पॉन्स मिलेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि आप ईमेल अगर करते हो तो ईमेल का वहाँ पर रेस्पॉन्स जरूर मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, आज हो गई आपकी 5 जुलाई, 5 जुलाई आज हो चुकी है, 5 जुलाई तो आप समझ सकते हैं 5 जुलाई 2024 हो गई है, 5 जुलाई को इस वीडियो को बना रहे हैं, 15 तारीख तक अगर आपका जो भी है, अब आप बोलोगे कि आप तो वीडियो बना रहे हो, आपको वीडियो बनाने से क्या मिलता है? देखो हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, अगर अकेले की नहीं बोल रहे, अगर आप 10-15 विद्यार्थी अगर हो जाओगे तो आपके साथ में हम आरएनसी चलने के लिए तैयार हैं। जो भी विद्यार्थी जयपुर से हैं, जयपुर में रहते हो, जयपुर से रहकर के नर्सिंग कर रहे हो, जयपुर में काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेज हैं, जयपुर से जो भी विद्यार्थी हो, तो उनका अगर ऐसा मानना हो कि हम आपके साथ में आरएनसी चले, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग चले, तो वहाँ भी उनसे बात कर ले रूबरू होकर, तो हम वहाँ भी आपके लिए चलने के लिए तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आप कहो तो हम आपके लिए आरएनसी चल रहे हैं, अगर आप 10-15 स्टूडेंट हो जाते हो तो, ठीक है ना। तो ये भी एक मुहिम है, तो वो भी आप कर सकते हो। और बात करें ईमेल, तो ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी जो भी है ईमेल के माध्यम से भी आप उनको बता सकते हो कि हमारे जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे जब तक काफ़ी विद्यार्थी तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। अब बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी तो सेकेंड ईयर चालू हो गई, उससे मतलब नहीं होता कि आपकी सेकेंड ईयर चालू हो गई कि नहीं हुई है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजों से कर रहे हैं, अब उनके में क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजों से कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर की क्लासेज चालू कर दी हैं और उनकी जो हॉस्पिटल ड्यूटी है वो लगा दी है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्लासेज चालू हो गई हैं तो आप दूसरे सेशन में चले गए हो, अभी क्या पता कि आपकी बैग लग जाए फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम में देरी हो रही है, तो इसकी वजह से आपके बहुत लॉस होगा, ये हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, आप इसके खिलाफ अगर नहीं उठाओगे तो।
अब आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको जो भी है, हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को कम से कम 4,000 स्टूडेंट आराम से देख लेंगे, 4 से 5,000 GNM स्टूडेंट आराम से देख लेंगे। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो इस दिए हुए नंबर पे आप RNC का नंबर है, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग का नंबर, बिल्कुल जो नंबर है वो आपको जेन्युइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे RNC का कॉल लगेगा और कॉल उठाएगी टेक्निकल टीम, उनसे आप बात कर सकते हो, बात करके आप उनसे पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो। उसके अलावा आपको ईमेल पिन किया हुआ है, जब तक आप ईमेल करते रहो 15 तारीख तक, ठीक है ना, 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक आप ईमेल करते रहो, अगर विद्यार्थी का अच्छा रेस्पॉन्स आता है कि हाँ सर हम तक चलने के लिए तैयार हैं, तो हम फिर आपके साथ में RNC जाएंगे और RNC में जाकर बोलेंगे सर क्या बात है, इतना लेट तो आपकी कभी भी एग्जाम नहीं हुए, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये शेड्यूल है आपका RNC का, इस तरह के जो शेड्यूल को देखते हुए इतना किसी भी बार आपके जो एग्जाम है वो लेट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और आपको शेड्यूल बता रहे हैं कब कब आपके एग्जाम हुए थे, कब कब आपके एग्जाम नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं 2021 में जब आपका कोरोना लगा था, तो कोरोना के टाइम पे भी आपके जो एग्जाम है अप्रैल में हुए थे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि 2020 के एग्जाम है जो अप्रैल में हुए थे, तो अप्रैल में आपके एग्जाम हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं 21 में अप्रैल में हुए थे, उसके बाद में बात करते हैं आपके 2022 के एग्जाम है, 2021 सेशन के एग्जाम जो 22 में हुए थे वो हुए थे आपके मई में, ठीक है ना, मई के अंदर एग्जाम हुए थे। उसके बाद में बात करते हैं जो 2023 के एग्जाम है, 22 का सेशन था, जो 23 के एग्जाम है आपके, वो 23 के एग्जाम हुए थे आपके मई में, वो 23 के एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, मई में आपके 23 के एग्जाम हुए थे। कहने का मतलब यह है कि मई तो आपका निकल गया, जून और जुलाई दो महीने आपकी एग्जाम लेट हैं, और इसी तरह लेट होते हुए तो 3 महीने लेट हो जाएंगे, 3 महीने लेट हो जाएंगे तो काफ़ी सेशन डिले चला जाएगा आपका। फिर आप ऐसे मत बोलना सर कि हमें तो जो JNM की थी वो 3 साल की डिग्री 3.5 साल या 4 साल में मिली, ऐसा बिल्कुल होता है, RNC करता है, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, ऐसा हर बार देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपके बैच के साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर आप भी चाहते हो कि ऐसा ना हो तो जो हम वो बता रहे हैं वो आप फॉलो करो, और आपको हमें विश्वास है पूर्ण, अगर आप ऐसा करते हो तो 15 जुलाई तक आपका जो है एग्जाम का जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है वो आ जाएगा, ठीक है ना। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें, कॉल करके पूछें, ईमेल पिन किया हुआ है, ईमेल आप करते रहिए दिन और दिन, दिन बाय दिन 1-3 बार आप ईमेल करोगे तो ईमेल का आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, बिल्कुल रेस्पॉन्स मिलेगा। GNM थर्ड ईयर के रिगार्डिंग भी हमने ईमेल करवाया था, तो GNM थर्ड ईयर के रिगार्डिंग भी आपका ईमेल का अच्छा रेस्पॉन्स रहा, स्टूडेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उनके भी एग्जाम में जल्दी कंडक्ट हो गए और उनका सारा का सारा शेड्यूल खत्म होकर के अब उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो आप भी इस मुहिम में पार्टिसिपेट करें सभी विद्यार्थी, हम आपके लिए वीडियो बना करके जागरूक कर सकते हैं, और आपका ऐसा ध्येय हो कि सर आपको भी RNC जाना चाहिए, तो अगर 10-15 स्टूडेंट हमारे साथ में हो जाते हैं तो हम भी RNC जाने के लिए तैयार हैं। बाकी हमें इस वीडियो में आपको जानकारी देनी थी, और वैसे अगर बात करें तो लास्ट वीक तक वैसे आपके एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, कि लास्ट वीक तक जो भी आपका शेड्यूल है, शेड्यूल आकर के खत्म होकर के जो एग्जाम है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये लास्ट जुलाई मान के चलो अब आपका, ठीक है ना, तो लास्ट जुलाई तक जो आपके एग्जाम है वो कंडक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। और RNC वालों से भी बात हुई थी, तो RNC वालों ने भी यही बोला था कि सर अभी तक तो एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फर्स्ट वीक में, तो जुलाई के में, लेकिन लास्ट वीक तक एग्जाम हो जाएंगे जहाँ तक पता है, और आप सर ईमेल करके पूछ लीजिए, उन्होंने यही बात बताई थी, ये हमने आपको बता दिया। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने GNM जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करें सभी विद्यार्थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।